हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है उन लोगों के लिए जो जिन्होंने नया नया चैनल बनाया है, जिन लोगों को एडिटिंग वगैरह का इतना पता नहीं है। भाई मैंने बहुत काफ़ी रिसर्च की है इस चीज़ के बारे में और 6 महीने लग गए मुझे। बेसिक्स ही मैंने सीखी है, ज़्यादा मैं इसमें उलझन का काम नहीं करता हूँ। तो नॉर्मल सी एडिटिंग मैं करता हूँ हर वीडियो में अपनी, ज़्यादा एडिटिंग वगैरह नहीं करता हूँ। उससे थोड़ी सी भसड़ मच जाती है वीडियो के अंदर, जो कि हमें नहीं मचानी है। हमें सादी सिंपल वीडियो बनानी है। तो ये वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया है, वेल एंड गुड। जिन्होंने नहीं किया है तो भाई वीडियो अगर अच्छी लगे तो कर लीजिएगा, अगर नहीं लगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्रिएट न्यू करते हैं और 16:9 एस्पेक्ट रेशियो करते हैं इसका। अब हम इसको वीडियो सेलेक्ट कर लेते हैं, जो भी वीडियो हमें एडिट करनी है। मान लीजिए मुझे ये वीडियो एड करनी है, ये 14 मिनट की है, 13 मिनट 55 सेकंड की वीडियो है। ये मेरा पूरा गेम प्ले है, ये पूरा गेम प्ले मैं आपको एडिट करके दिखाता हूँ। जैसे मैं एडिट करता हूँ सिंपल, मैं आपको वैसे ही एडिट करके दिखाऊंगा। वैसे तो काइन मास्टर में बहुत ज़्यादा फीचर्स होते हैं, बट इतना यूज़ करना यार पॉसिबल भी नहीं है। नॉर्मल जो स्टार्टिंग में इसे सीख रहे हैं तो उन लोगों के लिए तो दिक्कत ही है यार। अब इसकी सबसे पहले यार मैं कलर ब्राइटनेस वगैरह इसकी सेट कर देता हूँ। कलर ब्राइटनेस वगैरह आपको सेट करने के लिए इसे सेलेक्ट करना पड़ेगा पहले। सेलेक्ट करने के बाद में इसे थोड़ा सा नीचे आने के बाद में जहाँ ये एडजस्टमेंट आपको दिखाई दे रहा है, इस एडजस्टमेंट पे क्लिक करना है। ब्राइटनेस अगर आपकी ठीक है तो इट्स ओके, अगर कॉन्ट्रास्ट वगैरह थोड़ी सी बढ़ानी होती है। कॉन्ट्रास्ट वगैरह इसलिए हम इसे बढ़ाते हैं, कलरफुल वगैरह इसलिए करते हैं क्योंकि जिन फ़ोनों के हाई ग्राफिक्स होते हैं उन्हें तो कोई इतनी नीड नहीं होती है, बट जो लो ग्राफिक्स पे खेलते हैं या जिनके रैम्स वगैरह इतनी ज़्यादा नहीं होती है मोबाइल की, तो उनके लिए ये चीज़ है। पहले हम इन्हें दोनों को बढ़ा लिया, अब हम थोड़ी सी इसकी हाईलाइट वगैरह बढ़ाते हैं। नॉर्मली यार जो मैं करता हूँ ये मैं वो ही आपको बता रहा हूँ। वैसे तो इसका बहुत बड़े ट्यूटोरियल वगैरह पड़े हुए हैं काइन मास्टर से, उसमें बहुत सारी चीज़ें वो लोग बताते हैं। इतनी सारी चीज़ें यार कवर अप होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब जैसे कि यहाँ पर हम उतरे हैं, मान लीजिए उतरने के बाद में ये लूट्स वगैरह हो रही है, लूट्स वगैरह की आपको वीडियो काटनी है तो आपको ये कैंची का बटन दिख रहा होगा ऊपर, इस पर क्लिक कर देंगे, इसे बीच में से स्प्लिट कर देंगे। अब ये जो वीडियो है आपकी दो पार्ट में डिवाइड हो गई है, तो ये पहला वाला पार्ट है, ये तो पूरा हमारा कंप्लीट ही है। दूसरे वाले पार्ट को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और जो इसमें से जो भी हमें डिलीट करना है, लूटिंग वगैरह जो लूट हो रही है, जो ये जो मैंने सेटिंग्स वगैरह की हैं ये सब हम डिलीट कर देते हैं। थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे जहाँ पर हमारा कोई बंदा वगैरह नहीं आता है या किल वगैरह नहीं होता है, वहाँ तक आप इसे सेलेक्ट कर सकते हो। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये बंदा आ जाता है तो ये मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ और यहाँ पर चाबी से ही पीछे का लेफ़्ट साइड का हेडर उड़ा देता हूँ। राइट साइड का अगर आप हेडर उड़ाएंगे तो जो आपकी राइट साइड की पूरी वीडियो बनी हुई है वो पूरी ही डिलीट हो जाएगी, लेकिन उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जो यहाँ पर बटन देख रहे हैं ये क्रॉस से ऊपर, यहाँ से ये फिर से आ जाता है। अभी से हम उड़ा देते हैं, ये देखिए यहाँ से हम इसे लेफ़्ट साइड वाला उड़ा देते हैं। अब जो ये प्लस का साइन दिख रहा है आपको, ये जो प्लस का साइन दिख रहा है, अब इसे हम नॉर्मल चलाएंगे तो ये ऐसे चलेगी, देखिए। अब इसमें अगर जैसे हमें इफ़ेक्ट वगैरह डालना, जो बेसिक से इफ़ेक्ट होते हैं वो मैं दिखा रहा हूँ, ये वैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं इसके स्टोर से, काइन मास्टर के स्टोर से ये डाउनलोड कर सकते हैं, बट मैं बहुत बेसिक से लगाता हूँ क्लासिक में क्रॉस फेड। ये इसमें डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, ये डाउनलोडेड होता है ऑलरेडी, तो इसमें एक छोटा सा इफ़ेक्ट आ जाएगा। ये देख रहे हैं आप इफ़ेक्ट, ये देखिए बहुत हल्का सा एक इफ़ेक्ट आ जाता है इसमें। अभी हम यहाँ बंदे को मार देते हैं। बंदे को मारने के बाद में फिर ये वीडियो इतनी ज़्यादा बड़ी है कि इसे थोड़ा सा काटना ही पड़ेगा। इतनी लंबी वीडियो यार सब्सक्राइबर वगैरह देखते नहीं है, इसलिए मैं बीच में से काट देता हूँ इसे। अभी से हम बीच में से काट रहे हैं, ये देखो किल करते हुए छोड़ देते हैं वीडियो को, बाकी जो सीन्स वगैरह हैं फालतू के वो काट देते हैं। ये देखिए यहाँ से गाड़ी बैठते हुए ये काट देता हूँ पीछे का, प्लस में जाते हैं। अच्छा, हर बार ये प्लस जो आएगा आपको हर बार इसमें अगर इफ़ेक्ट डालना है तो हर बार इफ़ेक्ट डाल सकते हैं। इफ़ेक्ट्स इसमें बहुत सारे हैं, कोई सा भी इफ़ेक्ट डाल सकते हैं, जैसे ये दिल का डिज़ाइन आ गया, ये स्टार वाइप आ गया,
और जो मैंने डाउनलोडेड कर रखे हैं वो ये हैं, इसमें रिंग फायर है जैसे, ये मैंने डाउनलोड किए हैं इसके स्टोर से ही। हिट एंड ब्रेक है, ये देखिए, क्रोमेटिक जूम है, ये देखिए, ये देखिए, जो भी आप डालना चाहें इफ़ेक्ट्स डाल सकते हैं। अभी से हम आगे लेके जाते हैं थोड़ा सा, जहाँ किल हमारा हो जाता है वो शॉर्ट्स हम रहने देते हैं, बाकी सारे शॉर्ट्स डिलीट कर देते हैं। अब ये देखिए, हम यहाँ से फिर से शॉर्ट्स कट करते हैं। ये थोड़ी लंबी वीडियो है, 14-15 मिनट की वीडियो है, इसलिए इसे थोड़ा सा एडिट करने में टाइम लगता है यार, बच्चों का खेल नहीं है, थोड़ा समय लग ही जाता है एडिट करने में। वीडियो को देखते रहिए, ये देखिए हमारा यहाँ कोई किल नहीं हो रहा, हम बंदों को ढूंढ रहे हैं सिंपल, ये देखिए। बट यहाँ ड्रॉप है, ड्रॉप की अगर हमको थोड़ी सी बहुत क्लिप लेनी है तो आप यहाँ से ले सकते हैं, आप फिर पीछे का साइड का उड़ा देंगे पूरा। ये प्लस का साइन आ गया, यहाँ फिर से क्रॉस फेड लूटेड दिखा दिया, बंदा आ गया उसे मार दिया, फिर बग्गी में जाके बैठ गए, फिर इसे बीच में से काट दिया, लेकिन यहाँ पर बंदा आया तो ये ज़्यादा काटने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। देखिए 4 किल हो चुके हैं अभी तक, अब ये घर में आ गए हैं, हम यहाँ काट देते हैं फिर बीच में से, थोड़ा जल्दी जल्दी दिखा रहा हूँ यार, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है ना तो फिर यार बंदे देखते नहीं हैं, इसलिए थोड़े जल्दी जल्दी काट काट के मैं दिखा रहा हूँ आपको। अगर कुछ समझ में ना आए तो आप नीचे कमेंट में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं दोबारा वीडियो इस टॉपिक पर बना दूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए, आप सिर्फ देखते रहिए, आराम आराम से थोड़ा दिखाता हूँ। यहाँ गन्स वगैरह मिल जाती हैं मुझे, दूसरा ड्रॉप था ये, यहाँ लूट लेता हूँ दूसरा ड्रॉप भी। अब ये बंदा दिखता है, इसे मारता हूँ जाके, कार 98 मिल जाती है यहाँ मुझे। अब सीधे जोन में जाएंगे, यहाँ पर तो ऐसे यार सच बताऊँ तो इस गेम में बॉट ज़्यादा थे, तो बॉट ही बॉट मेरे सामने आए, बॉट ही बॉट को मारता गया, इसलिए मेरे शायद किल भी इसमें 13-14 के करीब हो गए हैं। यहाँ पर वैसे कुछ भी काटने की आपको ज़रूरत नहीं है, पहले ये वीडियो थोड़ी सी कंप्लीट करता हूँ, फिर इसके और फीचर्स के बारे में आपको बताता हूँ। अभी ये यहाँ पर विनर विनर चिकन डिनर हो जाता है 14 किल्स के साथ। अब इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं, जो है आपका काइन मास्टर है, इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। मान लीजिए आपने कोई लोगो बना रखा है, जैसे मैंने ये लोगो बना रखा है ऑलरेडी अपना, जो मेरा साइड में आता है हर बार, ये देखिए, ये मैंने अपना लोगो बना रखा है जीशू गेमर का, इसे सबसे पहले हम क्रॉप कर लेते हैं। अब कुछ भाई के सवाल होंगे, यार लोगो कहाँ से मिलेगा, तो यार आप अपने नाम से क्रोम में जाके सर्च कर सकते हैं, बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जो फ्री में लोगो देती हैं, ये मैंने क्रोम से ही सर्च करके लिया है, स्क्रीनशॉट लेके आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अब जैसे इसे आपने सेलेक्ट कर लिया तो आप इसे थोड़ा सा बड़ा करेंगे, और इसे पूरी वीडियो पर अगर आप जो चलाना है तो ये पूरी वीडियो पर आपको लेके जाना पड़ेगा। इसे हम छोटा करके साइड में लगा देते हैं, क्योंकि इतना बड़ा तो बीच में लगा नहीं सकते। ये साइड में आ गया, अब क्या करेंगे इसमें अब हमें देना है एनिमेशन। ये पूरी वीडियो पर हमने सेलेक्ट कर दिया, जहाँ तक आपको ये चाहिए लोगो, इन एनिमेशन का मतलब जब ये स्टार्टिंग में आएगा तब क्या एनिमेशन आएगा इसमें। ये देखिए बहुत सारे हैं, कोई सा भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, टाइम वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, आउट एनिमेशन, ये जाते वक्त लास्ट में जब ये जाएगा तो क्या एनिमेशन होगा, ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए बहुत बेसिक सा मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। अब ये वाइट वाइट सा हो रहा है, इसे हमें हटाना भी है थोड़ा सा गेम में मैच करते हुए। ये देखिए ब्लेंडिंग में जाएंगे, हार्ड लाइट कर देंगे। अब ये देखिए, अब ये गेम बिल्कुल पता भी नहीं चल रहा कि इसके बैकग्राउंड में जितना भी कलर वगैरह था वाइट, वो सब हट गया है। अब ये पूरे गेम में आपका ऐसे ही आता रहेगा साइड में जीशू गेमर। अभी से हम सेलेक्ट करेंगे थोड़ी सी इसकी कंट्रास्ट बढ़ा देंगे ताकि ये चमक मारे अलग ही। ये देखिए अब ये चमक मार रहा है अलग ही।
अब ये तो ये काम हमारा पूरा हो गया। अब इसमें कुछ और आपको लिखना है तो लेयर में जाके आप स्टिकर वगैरह जो भी लगाना चाहें स्टिकर लगा सकते हैं। स्टिकर वैसे मैंने इसमें कुछ डाउनलोड्स भी किए हैं, आपको जैसे मान लीजिए लाइक या सब्सक्राइब का स्टिकर लगाना है तो आप यहाँ स्टिकर में जाएंगे सिंपल, और ये सोशल स्केच ये आपको इसके स्टोर में मिल जाएगा कॉइन मास्टर के। सोशल लाइक है, कर्सर है, और भी बहुत सारे हैं इसमें, जैसे सब्सक्राइब का आपको ये डालना है आप ये भी डाल सकते हैं, थोड़ी सी देर के लिए डालना है वो भी डाल सकते हैं आप। इसे हम फिलहाल डिलीट कर देते हैं, ये हमें डालना नहीं है ना इसलिए। अब इसमें जैसे स्टार्टिंग में आपको इंट्रो वगैरह लगाना है तो आप, अगर इंट्रो आपको स्टार्टिंग में लगाना है, आउट्रो आपको लास्ट में लगाना है, तो इंट्रो लगाने के लिए सबसे स्टार्टिंग में इसे ले आएंगे और मीडिया में जाने के बाद में जहाँ भी आपके गैलरी में इंट्रो पड़े हैं वहाँ से सेलेक्ट करेंगे, और ये देखिए इंट्रो आ गया। अब इसे प्ले करके भी देख सकते हैं आप, ये देखिए ये देखिए यहाँ से आपकी वीडियो स्टार्ट हो जाती है। आउट्रो लगाना है, अगेन मीडिया में जाएंगे, लोगों ने एनिमेशन मेरा सॉफ्ट पहले से ही बना हुआ है, ये आप कर लेते हैं, ये आपका सब्सक्राइब का लास्ट में आउट्रो आ जाता है। अगर ये जानना है कि इंट्रो और आउट्रो कैसे बनाना है तो यार नीचे कमेंट बॉक्स में करके बताना मेरे को कि आपको जानना है या नहीं जानना है, तो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, एक वीडियो में बना दूंगा जिसमें इंट्रो और आउट्रो कैसे बनाते हैं ये भी आप जान सकते हैं, ठीक है। अब ये हमारी लगभग पूरी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, इसमें कुछ हमें करना नहीं है। अगर आपको म्यूज़िक वगैरह सेलेक्ट करना है तो इसमें ऑडियो का ऑप्शन दिख रहा है आपको, यहाँ से आप म्यूज़िक वगैरह डाल सकते हैं इसमें, और कुछ इसमें करने लायक है नहीं। हाँ एक चीज़ रह गई है इसमें, आप अपनी वीडियो में से कोई भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जहाँ जो आपको अच्छा लग रहा हो आप थंबनेल बनाने के लिए। थंबनेल बनाने के लिए अगर आपको नहीं आता है थंबनेल बनाना तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, एक थंबनेल की वीडियो भी बना लेंगे। वैसे मैं पिक्सआर्ट से थंबनेल अपना बनाता हूँ, अगर पिक्सआर्ट से भी आपको नहीं पता आप बेसिक सा जानना चाहते हो आप तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे करके ज़रूर बताइएगा। अब इसमें एक हम ले लेते हैं थंबनेल के लिए अपना एक स्क्रीनशॉट ले लेते हैं थंबनेल के लिए, ये थोड़ा सा बेटर लग रहा है ये वाला, ये थंबनेल लेने के लिए आपको यहाँ पर जाना है साइड में टचिंग, आपको ये मेरा हैंड टच तो आपको दिखाई दे रहा होगा तो यार पूछना मत कहाँ है कहाँ है, तो ये यहाँ जाके कैप्चर एंड सेव कर देंगे बस। अब ये पूरी वीडियो आपकी कंप्लीट हो चुकी है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। अब ये पूरी एक वीडियो आपकी कंप्लीट हो चुकी है, अब बस इसमें कुछ नहीं करना है, आपको एक्सपोर्ट कर देना है, ये साइड में आपको दिख रहा होगा एक्सपोर्ट का, ये यहाँ से आपको एक्सपोर्ट करना है। फ्रेम रेट यार 30 रखिएगा, इससे 30 से कम मत करिएगा, इससे यह है कि आपकी वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी बेटर हो जाती है। FHD 1080 पिक्सल में मैं बनाता हूँ। अब रही बिट रेट की बात, बहुत सारे लोग सवाल करते हैं यार बिट रेट क्या क्या होता है, इससे बिट रेट से इसके बारे में मैंने थोड़ा सा पढ़ा, तो यार 1080 पिक्सल की अगर वीडियो है तो 6 MB पर सेकंड की बिट रेट काफ़ी होती है, बिट रेट से वैसे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, बट ये है कि बिट रेट से सिर्फ साउंड क्वालिटी पर थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। अगर आप अच्छी साउंड क्वालिटी करना चाहते हैं तो इसमें 8 तक कर सकते हैं, वैसे मैक्सिमम इसमें नॉर्मली 6 रहती है, 1080 पिक्सल पर 6 काफ़ी इनफ होती है। अब ये 6 पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसे सेव, जैसे ही आप सेव करेंगे ये आपका गैलरी में आ जाएगा। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं, अब सवाल ये होता है कि यार काइन मास्टर डाउनलोड कहाँ से करें, प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हो आप तो आपके वाटरमार्क आता है वीडियो पे, तो आप यार क्रोम में आप लिख के सर्च करेंगे काइन मास्टर ए पी के काइन मास्टर ए पी के, या आप क्रोम में सर्च करोगे इस नाम से तो जितने भी आपके काइन मास्टर के प्रीमियम वर्ज़न हैं और जो हैक्ड वाले वर्ज़न है वो सारे लिस्ट खुल के आ जाएगी। डायरेक्ट नहीं है, आपको किसी एक वेबसाइट को चूज़ करना है, उस पर जाना है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि यार देखो काइन मास्टर के जो ये पायरेटेड वाले जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये कभी किसी साइट पे मिलते हैं कभी किसी साइट पे, और ये भी पॉसिबल है कि यार 2-3 बार आपको शायद डाउनलोड करके देखना पड़ेगा कौन सा प्रॉपर वर्क कर रहा है कौन सा नहीं कर रहा है, ठीक है ना।
अब रही पिक्सआर्ट की बात, अगर आपको ये भी जानना है कि यार मेन डाउनलोड करना ही कहाँ से, तो एक सॉफ्टवेयर आता है हैप्पी मोड करके, वो आप क्रोम पे सर्च करेंगे हैप्पी मोड, उस सॉफ्टवेयर को आप डाउनलोड कर लेंगे अपने मोबाइल में, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, उसे आप डाउनलोड कर लेंगे। उसके अंदर जितने भी हैक्ड वाले सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे कि काइन मास्टर है, पिक्स आर्ट है, और बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं उसमें, गेमिंग के भी सॉफ्टवेयर हैं, एप्लीकेशंस हैं, और भी एडिटिंग के सॉफ्टवेयर्स हैं, वो सब आपको उसमें मिल जाएंगे हैप्पी मोड में। वो आपको स्टार्टिंग में, जैसे ही आप क्रोम पे गूगल पे सर्च मारोगे हैप्पी मोड, वो आपको स्टार्टिंग में एप्लीकेशन मिल जाएगी, 10-15 MB की एप्लीकेशन है वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा फ़ोन में, और बिंदास उससे कोई सा भी सॉफ्टवेयर जो आपको उठाना है वो आप उससे उठा सकते हो आराम से। उसमें सारे प्ले स्टोर की तरह वो काम करता है, सारे सॉफ्टवेयर उसमें शो हो जाते हैं। अभी एक्सपोर्ट होने में इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, तो साइड में रख दो यार फ़ोन, कोई दिक्कत नहीं है। और यार वीडियो अगर पसंद आई हो तो एक लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। जानता हूँ मैं पहली बार वीडियो बनाऊँ, वॉइस ओवर थोड़ा सा ठीक भी नहीं आएगा मेरा, तो यार शिकायत मत करना, परेशानी के लिए खेद है। और यार वीडियो अगर पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और अगर ये भी जानना चाहते हो कि थंबनेल वगैरह कैसे बनाना है तो आप यार कमेंट मार के मुझे नीचे को बताना, मैं जैसे भी भाई टूटी फूटी बनेगी मेरे से, मैं बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है भाई, थैंक यू, बाय बाय।